खैर अभी आप निकलोगे यहाँ से? नहीं। क्यों? निकलो ना यार, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नहीं। यार जाओ प्लीज, मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज। जाओ यार, अपना लेज उठाओ और जाओ यहाँ से, जाओ इधर। हाय गाइस तो करके जाओ ना। हाय गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। टिकट क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में? हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, माइक टेस्ट करने वाले। हाँ हाँ, चलो बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय करो, माइनक्राफ्ट खेलने निकलने वाली करो। हमारे पास अब वहाँ पर आप चुप करके जाओ, बैठो, जाओ दफा हो जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए धमाकेदार खबर लेकर आया हूँ। जो भी टिकटॉकर्स हैं या जो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और फेमस होना चाहते हैं, खास करके यार एक ही चर्चा चलती है हर जगह पर कि वीडियो फॉर यू पे आनी चाहिए, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो सबसे जो बड़े से बड़े टिकटॉकर्स हैं या जो इस टाइम मतलब अभी अचानक से फेमस हो गए, उन लोगों ने कौन सी ट्रिक खेली है उसके जो है ना होते हुए वो सब जो है इस टाइम फेमस पर्सनैलिटी हो चुके हैं। वो ट्रिक आई थिंक किसी को भी पता नहीं है, ठीक है ना। वो जो बताते हैं शेयर वगैरह ये वो करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे हटके है, जिसने मैंने ये सब करके देखा तो मैंने तो कहा यार ये जो मतलब इसके बाद जो अपडेट आई, जो चेंजेस आई है वो उनके अकाउंट में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो मैंने समझा यार मतलब यही चीज़ें, उसके बाद थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है, फिर मतलब ये होगा ना, मेहनत तो आप वैसे भी करते आ रहे हो लेकिन आपकी वीडियो फॉर यू पे नहीं जा रही। आप वो एक काम करोगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में, तो उसके बाद जो भी आपकी मेहनत होगी उसका फल आपको उसी टाइम ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको आपकी वीडियोस फॉर यू पर और आपकी वीडियोस जो है ना कैसे आप फेमस बन सकते हैं अपने टिकटॉक पर, तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना 100% आपके काम आने वाली, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पता चलूँ कि टिकटॉक आप वो यूज़ करते होंगे जो आपको प्ले स्टोर से मिलता होगा, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं है। आपको जो टिकटॉक यूज़ करना है वो टिकटॉक एशिया यूज़ करना है, जो आपको सिंपली गूगल क्रोम से मिल जाएगा और जो सब ही यूज़ करते हैं। अच्छा फिर आप बोलोगे यार नहीं, गूगल क्रोम से तो मतलब वायरस होगा, ये होगा, वो होगा, भाई वो सारी बातें बात की, ठीक है ना। वैसे तो हम जो भी एप्लीकेशन मोड कर ही चलाते हैं, ठीक है। अब ये टिकटॉक का कोई मोड वगैरह नहीं है, ये सिर्फ ओनली टिकटॉक एशिया है, मतलब प्ले स्टोर से हट कर, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो बीच में टिकटॉक बैन हुआ था ना, तो उसके बाद जो है टिकटॉक में मतलब खलबली मच चुकी थी। जो फेमस थे वो जो मतलब मेहनत वगैरह करते आ रहे हैं तो वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने मतलब वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं किए उनका अकाउंट हो गया था फ्रीज। तो ऐसे में आपको दूसरा टिकटॉक डाउनलोड करना है। बहुत से बंदों ने अपडेट किया, डिलीट करके, अनइंस्टॉल करके, मतलब दोबारा इंस्टॉल किया, तो कुछ बंदों का काम नहीं बना। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि टिकटॉक एशिया आपको डाउनलोड करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आप गूगल क्रोम पे जैसे आप जाएंगे वहाँ पर सिंपली टिकटॉक एशिया जैसे आप लिखेंगे तो आपके वहाँ पर आ जाएगा। तो आप जो है सिंपली उसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद अपनी वीडियो जो भी आपको डेली बेस में अपलोड करो, मैं आपको सिंपली अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे जो है ना करके रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है और कौन सा जो अपडेट है मेन चीज़ जो अपडेट है वो मतलब आम जो टिकटॉक है उसमें तो मुझे देखने को नहीं मिला था, ठीक है। मैं सीधी बात करूँ, जैसे मैंने वो इंस्टॉल किया उसके बाद डायरेक्ट ही मतलब एक जो है ना नोटिफिकेशन होता है या एक मतलब रेड डॉट आ जाता है यार ये काम कर लो सबसे पहले, जैसे मैंने वो इंस्टॉल किया तो वहाँ पर वो चीज़ आ गई। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने गूगल क्रोम में, ठीक हो गया। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक नहीं भी होगा तो आप सिंपली टिकटॉक एशिया जैसे सर्च करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, ओके हो गया। अब उसके बाद आपको करना है कि आपको जो पुराना टिकटॉक है उसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। अब अनइंस्टॉल करने में ये है कि आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपकी ड्राफ्ट वगैरह में जो भी वीडियोज़ हैं वो जो हैं डिलीट हो जाती हैं, आपको तो पता है, तो आपको चेक करना है अगर आपके काम की हैं तो ठीक है, वरना जो है आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, और अगर आपके काम के तो आप उसको प्राइवेट में अपलोड करके उसके बाद आप अपना जो आगे जो भी काम होता है वो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे अभी चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, भाई मेरी जो भी ड्राफ्ट में जो भी वीडियोस वगैरह पड़ी उनको मैं सिंपली चेक करूँगा, अगर मेरे काम की है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा। अब मैं सिंपली इसको डिलीट कर रहा हूँ, ओके हो गया। अब मैं जा रहा हूँ इसका जो टिकटॉक एशिया है उसको इंस्टॉल करने, तो यहाँ पर सिंपली मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन जो होगा इसका प्रोसेसर वो प्रोसेसिंग वो कंप्लीट हो जाएगा।
लॉगिन वगैरह मैंने ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी, दो पार्ट मैंने कट कर दिया, मैंने लॉगिन वगैरह हर चीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि क्या चीज़ थी जो इसका मतलब बता दी। यहाँ पर जो क्रिएटर टूल्स आते हैं तो वहाँ पर क्यू एन ए का ऑप्शन आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। वहाँ पर जो है ना एक नोटिफिकेशन की तरह एक रेड डॉट नज़र आता है, भाई ये आपको लास्ट में से करना है। ये बहुत ही मैंने कोशिश की थी, आम टिकटॉक में नहीं हो रहा था। जैसे मैं टिकटॉक एशिया डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले यही काम बताएगा। सर कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि 100% आपके काम आई होगी। अभी जाओ और डाउनलोड करो। और एक और खास बात मैं आपको बता चलूँ कि आपको मेहनत करनी है। दूसरे एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि डेली एक वीडियो दिया करो। आप अगर 4-5 शूट कर रहे हो ना तो 4-5 एकदम अपलोड नहीं करो, एक 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 करके मतलब डेली बेस में अपलोड करो। हफ्ते में 7 वीडियोस या 8 भी आ रही, 9 भी आ रही, कोई मसला, एक एक डेली बेस में आपकी वीडियोस जानी चाहिए। जैसे कि भाई टिकटॉक देखे, ये वाकई में ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वीडियो फॉर यू पे जाए। और दूसरी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मानी हुई ट्रिक है। एक कोई भी वीडियो जो है ना, एक मतलब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब खामा खा की कोई फालतू वीडियो बनाओ, वो फालतू वीडियो मतलब ऐसी होनी चाहिए सबसे मुख्तलिफ वीडियोस, ठीक है, जिसमें मतलब कोई चीज़ मतलब ना हो, बंदे को पागल बनाने जैसी वीडियो हो, मतलब ऐसे जैसे बंदा मतलब आप समझ सकते हो। तो वैसे आप वीडियो बनाओ एक ही बार, ठीक है, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल कॉन्टेंट है वो आप अपलोड करते रहो। जैसे मतलब आपको वो सीन सेट हो जाएगा तो बंदे भूल जाएंगे यार इसने पहली बार क्या किया, वो आपकी वीडियो 100% फॉर यू में जाने वाली है। जितना हो सके सबसे हट के काम करो उधर, फिर जो भी हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो होगी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जाने से पहले यार सब्सक्राइब कर दो, 1K कर दो, प्लीज़ 1K कर दो। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।